लगा दिया अर्चिता ने और अर्चिता ने एकदम रॉक कर दिया है। मेरा बस यही प्लान था कि मैं चिल करके खेलूं। भाई जीतेंगे हम तो। ये मैन, he is so happy right now and क्यों नहीं होना चाहिए। So there is a surprise in store for you guys. We have PGCL on right now, but we are going through your request, and we all know everyone is eagerly waiting for the next season of Playground. So without wasting any time, let's keep voting for favorite contestant. 25 lakh rumbles आज ऐसे players को जीतने का मौका मिलेगा। किस तरीके से जीतने का मिलेगा? हर जो मैच होगा उसके अंदर 1.5 लाख रंबल स्टेक्स पे होंगे। फासला कुछ मेरे ख्याल से 5 मिलियन रंबल्स का बीच में रह चुका है। रेजिंग सेंटोर्स और ट्रिपल ए वेवल्स से लास्ट हफ्ते काफी बढ़िया जंप मारी और उन्होंने अपने लिए रनर अप पोजीशन अभी तक ले हासिल कर रखी है। बट वी ऑल नो दैट कि वंशज की नजरों में मिशन नंबर 1 रहता है। क्या आज ट्रिपल ए वेवल्स कुछ कर पाएगी? क्या कोई और टीम आज हमें चैंपियन बनते हुए दिखेगी? बिकॉज आज की गेम भी अलग होने वाली है। इट्स टाइम फॉर द स्ट्रीट फाइटर 6, द न्यू एडिशन ऑफ द स्ट्रीट फाइटर, एंड इट्स सो गुड। 1v1 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा आज का स्ट्रीट फाइटर 6 का जितना भी समूह बनेगा, और किसी भी प्लेयर को हर एक गेम के अंदर 2 राउंड जीतने हैं, दैट्स इट। ये खबर आई है कि ट्रिपल ए वेरोल्स ने इंस्टेंटली अपना पावर अप कार्ड इस्तेमाल कर लिया है। लो भाई, ये तो उन्होंने कहा है कि शुरुआत ही करेंगे धमाके के साथ, ये जीतना जरूरी है। एक बराबर कर दिया इन्होंने स्कोर लाइन, और ये फाइनल राउंड रहेगा डिसाइड करने के लिए। अर्ली तो बढ़िया चलिए शुरुआत मिल गई गौरव भाई को, डैमेज लीड, और ये सीधा पकड़ के नीचे पटका है। तो बार बार 5 हिट कॉम्बो 6 हिट कॉम्बो मारे, फिर पकड़ लिया। इधर आ भाई तू, शिखा को यहाँ पर सांस लेने लग गया, क्रिटिकल आर्ट लग गया। अब तक खत्म हो चुका है। आ जाओ गौरव भाई, जीत चुके हैं गेम। काफी मुझे पता क्या लग रहा है, परफेक्ट क्यों मारे उन्होंने, वो चाह रहे थे कि वो स्टाइल पॉइंट्स निकालें। अच्छा, दैट्स व्हाई उन्होंने सेकंड राउंड जाने दिया। एंड लुक एट दैट, अरमान ही इज हैप्पी, प्रियंका एके नॉट योर इलेक्शन, शी इज आल्सो हैप्पी, एंड वंशज भाई कुछ तो खा रहे हैं। बट अनिरुद्ध वर्सेस आदिल, अब भाई आदिल इज आल्सो डेडली प्लेयर, पिछली बार हमने देखा था कि कैसा खेलते हैं। बट लेट्स सी भाई अब ये दोनों प्लेयर कैसे खेलेंगे, और बहुत तेज मारधाड़ चालू हो चुकी है। चलिए, तो इसमें डैमेज अच्छा खासा अर्ली मिला है। यहाँ अभी भी ये छोड़ नहीं रहे, वांट्स टू गो इन फॉर द अटैक्स। केन इस्तेमाल करके थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश जरूर करी गई थी। गुड स्टार्ट ओवर हियर अनिल, ओह व्हाट अ हिट ओवर हियर। ये तो दिक्कत है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लेयर थोड़ा प्रोजेक्टाइल्स पे ज्यादा खेलना चाह रहे हैं। अच्छा जंप पकड़ने की कोशिश, अच्छा पनिश काउंटर भी मारा है, नॉकडाउन मिला नहीं उनको, वैसे ये दिक्कत हो गई। ओ आदिल, हाँ मुझे लगा था कि शायद डैमेज लीड वापस से अनिरुद्ध तो ट्राई कर सकते हैं कम करने की। बढ़िया आदिल जस्ट सिक्योरिंग दैट फर्स्ट विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ। लेट्स सी क्या सेकंड गेम भी इसी तरीके से क्विकली फिनिश ऑफ कर पाते हैं। यानी अनिरुद्ध ने अच्छी कोशिश करी थी बीच मिड गेम में, डैमेज थोड़ी सी रिटेलिएट अच्छा खासा उन्होंने करा था, बट आदिल वाज नॉट एबल टू फिनिश इट ऑफ। लेकिन यहाँ कनेक्शन आ गया, ये तो बवंडर में फंसा के बिल्कुल यहाँ पर दूसरी तरफ भेज दिया, और एक बार फिर से अपने पंचेस को, अपने अटैक्स को प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे। परफेक्ट की तरफ शायद ना बढ़ जाए, चलिए ठीक है, पोक डैमेज देके परफेक्ट तो रोक लिया, बट मुझे लगता नहीं अनिरुद्ध उसके अलावा ज्यादा कुछ रोक पाएंगे। आदिल भाई ओपी, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं यहाँ पर आदिल, पड़ेगा बट क्रेजी करने के लिए हर्षिता इज देयर फ्रॉम द साइड ऑफ केओ क्रैकेंस। बहुत ही बढ़िया टेलीपोर्ट के बाद फायर आगे लगाती है हर्षिता ने, अच्छा रिटेलिएट करा, और गौरव भाई की एचपी ही नहीं बची है, 40%। ओह दिस कुड बी अ लिटिल बिट ट्रबलसम। ए देख गुत्ती पे चाटे, बढ़िया यहाँ पर शॉट मारे और परफेक्ट। चलिए परफेक्ट तो डिनाई कर दिया, लेकिन ये ऐसा लग रहा है गौरव भाई राउंड हारने वाले हैं ये। ना पहले गेम के अंदर भी इन्होंने यही करा था ना, फिर याद करिए 3 राउंड तक गया था पहला मैच भी, 3 राउंड तक। पता नहीं क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है आवाज कट गई थोड़ा सा पीछे से, प्रोडक्शन मतलब यूएफसी से आवाज कट रही हो गया। क्रेजी, बहुत ज्यादा डैमेज दिया जा सकता है, बट गौरव ब्लॉक, ये सच में मजे ले रहे हैं, मजे में एक राउंड जा चुका है। बड़ा आखिरी बचा है, लेट्स सी भाई, मैं चाहता हूँ अर्चिता ये गेम जीत जाए। आई वुड लव टू सी दैट भाई, केओ क्रैकेंस की तरफ से एक अच्छी फाइट। क्लियरली काफी ज्यादा डैमेज गौरव भाई के लिए ऑलरेडी, दिक्कतें बढ़ा दी है, और थोड़ी देर के लिए और लीजिए भाई, लगा दी है अपनी जो स्पेशल आर्ट, और डैमेज गौरव भाई गया ये गेम। अर्चिता को केयरफुल रहना पड़ेगा भाई। अरे क्या बात है, लो के साथ खत्म। चेहरा देखे गौरव भाई बिल्कुल शॉक्ड है, और हर्षिता ने एकदम रॉक कर दिया है। हर्षिता विंस दिस मैच में, बट गौरव स्टंड, वंशज हैरान, प्रियंका परेशान। ये क्या हो गया यार, पता नहीं, शॉकिंग है। या तो आपने बोला था गौरव ऐसे कि यार हर्षिता हार जाओ उसके आगे, यही बोला था आपने। आप भी दाल चिम खिलाते हैं वो भी। आई डोंट थिंक अभी फाइनल्स में कोई चांस है। वेल प्लेड यार, अच्छा खेला। टू बी ऑनेस्ट थैंक यू, मैं बहुत सैड थी क्योंकि मैं एक मैच हार गई थी और मैंने ये गेम का बहुत प्रैक्टिस किया था। इवन मैंने वंशज से भी सीखा था, इसको जो जो आता था ये बहुत अच्छा खेलता है तो इसके पास जाके सीखा और बहुत ट्राई किया था, बट फिर भी हार गई थी। तो मैं तो बहुत सैड थी और मैंने काफी पैनिक किया था फर्स्ट मैच में। तो मेरा बस यही प्लान था कि मैं चिल करके खेलूं और मतलब जान दूं क्या होता है, अब नहीं चला तो नहीं चला। बट फिर अपेरेंटली मैं जीत गई है। आई एम लाइक वाओ, मैं तो बेस्ट प्लेयर को हराई हूं यार। इन्होंने भी पावर अप कार्ड इस्तेमाल कर दिया है, प्राइम कंटेंडर बन सकते हैं। शायद ट्रिपल ए रूल्स के लिए खराबी हो जाए क्योंकि बाकी जो टीमें वो बहुत बढ़िया खेल रही है। लेकिन फिर से शुरुआत एज यूजुअल रविराज भाई के स्टाइल में कि आते के साथ ही मैं बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। मीटर बर्न तनीशा, बट वो मीटर बर्न ऑपोजिशन के ऊपर नहीं हो पाया। और ये देखिए अब बहुत ज्यादा बड़े क्लॉज है इस कैरेक्टर के, तो बहुत तेज भी लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर में डैमेज देने में कामयाबी तो हासिल करी है। अब रिकवरी क्या करने दी जाएगी कि मीटर अपना भी खत्म किया लेकिन काउंटर पड़ा है और मुझे लगता है यही से समाप्ति हो जाएगी इस राउंड की। चलो भाई 2-0 होने वाला है तो इसकी तो पूर्ति कर लेनी चाहिए हमें अभी से ही। मार दिया इन्होंने अपना स्पेशल आर्ट में ट्वीट मिस। ओके उन्होंने बोला नॉर्मली खत्म कर दूंगा। ऐसा लग रहा है क्रूज कर रहे हैं इस समय, बहुत ही इजी इवेंट्स मिल रही है। बट ठीक है, अभी हम ये पूरी तरीके से भी नहीं कह सकते क्योंकि काफी सारी टीम्स के कम मैचेस हुए हैं। रेजिंग सेंटोस, पावर फिनिक्स, इनके अभी भी 2-2 गेम बचे। फिर से केओ क्रैकेंस वर्सेस डेयर ड्रैगन्स, ये क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ये बातचीत कर रहे हैं। करेंगे बट चिराग कीपिंग वर्सेस अखिल, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग बेबी। और सच रो अभी तो फिलहाल अच्छा खासा डैमेज है यहाँ पर, बढ़िया लॉन्च भी किया चिराग ने, बड़ा खेल। नो मतलब मैंने तो इनको देख लिया पहले गेम के कमबैक के बाद, मेरे को उम्मीद से बहुत बढ़िया रहने वाली है और ये मुंह तोड़ पंच दिया है। ब्रो मीटर पूरा है, आ गई लो भाई, क्रिटिकल आर्ट आ गई। अब तो ये चिराग भाई के लिए दिक्कत क्योंकि ये जब मुक्का पड़ता है आप मासी पहुंच जाते हैं। 32 बार आती है सीधा, अब एचपी नहीं है और ये लीजिए फिर से यहाँ पर, बट सामने काउंटर क्रेट नहीं लगा, दिक्कत हो गई। अखिल विनिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज के दिन ये जो पावर अप कार्ड्स इस्तेमाल हुए थे दोनों टीमों के द्वारा, फिर से डेयर ड्रैगन जीती हुई। केओ क्रैकेंस द एस कार्ड अपना हार जाएगी। अखिल बोल रहे मैं कांप रहा था ये गेम खेलते। तनीशा शी इज वेरी हैप्पी। क्या लग रहा है पहुंच पाएंगे या फिर कुछ ऐसा टर्नर भाई जीतेंगे हम तो पक्का। ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, क्लियर कट आंसर। हां सीधा हम ही जीत रहे हैं। मैं जा रहा हूं, आप ही जा रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं फिर तो। और ये एक बहुत ज़रूरी मैच रहेगा अखिल के अगेंस्ट। लेट्स सी भाई डेयर ड्रैगन्स, क्या अखिल यहाँ पर वो काम करके दिखा पाएंगे जो उनकी टीम इनसे चाह रही है। अर्ली शुरुआत हुई है, डैमेज तो बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हुआ है लेफ्ट राइट, और ये ऐसा लग रहा है कि ये जितनी तेज़ी से शुरू हुआ है शायद उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो जाए फिनिक्स। भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट आई होप कि हमें थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ गेम से देखने को फाइनली वो चीज़ देखने को मिलती हुई। बट ओ माई गॉड दीपेश भाई गुस्से में आए ज़रूर थे बट ठंडा पड़ गया। डैमेज अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लिया इन्होंने। अकेला हैज़ टू बी केयरफुल, बट वो तो लगातार पोक कर करके डैमेज दिए जा रहे हैं और उसके बाद लो के साथ फिनिश ऑफ भी किया। अर्ली पहली विक्ट्री अखिल को। ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा, सब पीपी कर रहे थे, पीपी बाहर हो जाएगी अगर ये गेम हार गए तो। ओह नो ब्रो, ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, पीपड़ी बच जाएगी। क्या बात है, फाइनली आपने भी एक ऐसा ही मेटाफर टाइम मार तो दिया। अच्छा खुश हो गई मैं, कुछ तो सीख रहे हैं। बट यहाँ पर सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से दीपेश भाई को। एक ही बार में पूरी नवाजा कम्युनिटी ब्रो, मतलब अब आपको इस मैच के बाद बताऊंगा। बट ओ माय गॉड गुड थ्रो, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है अकेले जिस तेज तरार शुरुआत दिखाई थी उसी तेजी से तो बाहर निकलते हुए दिखेंगे। येलो लाइन ऑलरेडी इनके पास आ चुकी है और ये लीजिए एक और पड़ी केक। बट थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर पे लेने में कामयाब हुआ, हल्का सा लॉन्च मिला था बट उसको कंटिन्यू नहीं करा। That's not good. स्पेशल आर्ट मारा जरूर है और डैमेज अच्छा दिया है बट स्टिल नॉट इनफ और शायद दीपेश वोंट बी एबल टू कनेक्ट इट एंड इट्स अ रिवर्स। अखिल ही डज इट। भाई ये तो ऐसा लग रहा था ये पीली रेखा खत्म हो जाएगी, लेकिन जितने खुश थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में लग रहे थे दीपेश भाई, यहाँ वही खुशी इस समय नाराजगी में बदल गई है। well played. अभिनव यही बोलने वाले हैं। 0.9, 0.75 और 0.3 एंड 0.45 के साथ पावर फिनिक्स एंड केओ क्रैकेंस सिमिलर फेसेस अगेन। ये कहते हैं ना शनिवार की रात वंशा जमोक के साथ। गुड वन, गुड वन। आई एम ऑफ कोर्स नॉट हैप्पी क्योंकि हम लोग सिर्फ एक लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड्रॉइड का लॉस तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट लाइक किसी लीग के किसी भी प्लेयर ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। ट्रू। बट वही अब ये गेम ऐसा है कि अब दूसरी बार आ रहा है तो ऐसा भी नहीं कि कोई बोल सकता है कि नहीं आता, तो सबको अच्छे से आता है। मैंने सोचा था मे बी बीटी जीतने दे रहा है बट देन आउट ऑफ नोवेयर हर्षिता केम एंड जस्ट एब्सोल्युटली मतलब उसने जीत लिया राउंड। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं अपनी मतलब सीट के बिल्कुल एज पे था कि भाई क्या हो रहा है। फाइनल्स के अंदर कितने रंबल दांव पर हैं उनके ऊपर नजर डाल देते हैं। दैट्स गोना बी 2,50,000 रंबल्स। इज गोइंग टू बी अ मैच बिटवीन अमोग एंड गौरव। चलिए इट्स ऑल ऑन रवि भाई, या तो वो करेंगे या तो टीम हारेगी। ऑलरेडी शुरुआत फिर से अग्रेसिव कर दी है लो के साथ, मिड विद द गुड 5-hit कॉम्बो। Once again continuing that combo, another 5-hit combo and फिर से similar approach and a 4-hit combo this time. Special hit हो गया, ये दिक्कत आ गई। Oh, good shot, but अभी भी बहुत बड़ी लीड है, सामने से लेना पड़ेगा, लेकिन ये डैमेज पड़ा है और अब मुझे लगता है फिर से दूर दूर से ही मारा जाएगा गौरव की तरफ से and will try to close out the game. Close eye, the punch is good and that's it. Triple A Werewolves looking like another victory on their hands. Ravi Rajwans फिर से एक बार अच्छी शुरुआत अर्ली और पकड़ लिया उसके लिए and it's a counter reversal by the way. ये बहुत ही अच्छे pokes हैं दोनों के पास, बढ़िया बार है। use कौन पहले करेगा, that's my question. I think so it'll gonna be Blanca Ravi Raj भाई according to the situation है। जिसने पहले use कर लिया उसकी बातचीत खत्म हो जाएगी opposition की। मतलब HP तो काफी कम है वैसे रवि राज की। ये use हुआ, connect हुआ, नहीं हुआ, विफ हो गया। रविराज के पास चांस है पनिश करने का, गए और पनिश करा है। बहुत ही अच्छा खासा डैमेज एंड वंशराज जस्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। ग्रेट जॉब डन बाय रविराज टू विन द गेम। गुड गेम बाय वंशराज, नो डाउट। अच्छा खेला इन्होंने बट रविराज इवेंचुअली गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यस मेंटेनिंग द विनिंग स्ट्रीक। battle between the RAVs. This is the final battle they we also drew. Get ready. स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बहुत ज्यादा हेल्थ एडवांटेज जो थी वो छीनते हुए नजर आ रहे गौरव। गुड प्रोजेक्टाइल। हाँ लेकिन ये तो लग रहा है फिर से वही ब्लैंका सुप्रीमेसी देखने को मिल सकती है। ये लो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं गौरव। द हिट्स आर गुड एंड देन वेट अ सेकंड पिक्सल एचपी। चलो दैट्स द केओ आपने। या सो दैट मैन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। फर्स्ट राउंड, one round away from proving me from winning the day. Counter पड़ गया। गौरव भाई ने यहाँ पर काउंटर जरूर दे दिया है। 50% से ज्यादा HP खा चुके हैं। क्रिटिकल 8 यहाँ पर लगता हुआ और ये लो भाई हत्या आ चुके हैं अब तो आप गौरव भाई के। कितना डैमेज पड़ गया एक ही अटैक से। देखते रवि भाई किस तरीके से भाई उठते ही वापस लेटा दिया। I thought फिर से होगा बट चलो and it's a KO. समझ रहे हो आपने पिछले 3-4 घंटों से जितनी भी दाल पकाई है आपकी क्रेडिट रवि भाई के पास है, सिर्फ यही बोलूंगा मैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली है फिर से रवि भाई को। अच्छा खासा डैमेज काउंटर गौरव करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें करने ही नहीं दिया जा रहा है। बट मिस कर दी उन्होंने। ना 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 उन्होंने 1 मीटर बर्न कराया, दैट्स इट। बट उससे फायदा मिल रहा है ना, आप देखे ना बार-बार स्टंट है। फर्स्ट लास्ट हिट, वन मोर हिट नीडेड चढ़ के। एंड जस्ट लुक एट हिम मैन, he is so happy right now. उसने आज अपनी टीम को बेस्ट रिजल्ट दिलाया। रेजिंग सेट और देवियो सनो गेम डे 10 के स्ट्रीट फाइटर 6 के विनर्स एंड वंस अगेन गेटिंग द विक्ट्री। क्योंकि एक बार लाइन से 3 हफ्ते जीते थे लाइन से एंड फिर से वो विक्ट्री का जो W है वो अपने नाम के आगे लगा दिया। इतना प्रैक्टिस किया था स्ट्रीट फाइटर कि आई वाज लाइक नहीं मैं चलो हार सकता हूँ बट गंदा नहीं हार पाऊंगा। बट इस बार तो भाई लाइक आई वाज मैंने फाइनल बॉस नहीं किया था मैं मतलब जीत पाऊंगा सबके सामने। बट अब MVP जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन का MVP कौन है। 7 करोड़। ओके बट ये हमारा रंबल का लीडर बोर्ड रहेगा आज का। 1.3 मिलियन रंबल्स पे है रेजिंग सेंटोर्स, सेकंड पे ट्रिपल ए वेवल्स 0.9 मिलियन रंबल्स, थर्ड पे डेयर ड्रैगन्स। पावर अप कार्ड की वजह से कितना फर्क पड़ा है तेरी भाई। ये क्या सिस्टम है, रंबल्स का एडवांटेज था आई थिंक। अभी अरे 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 सिस्टम है विनोचा साहब तुम इवेंट में आ नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे फंस कर रहे हो। उसको सुनाई नहीं देता आजकल। वंचर बता इनको, उसको आवाज नहीं आती। कुछ नहीं है ये। बोल रहे रंबल का बंटवारा कैसे होगा कल। आदित्य को बोल जा जिम जा। बोल रहे जिम जाओ। ये भी नहीं सोचते। प्लेग्राउंड चैंपियंस लीग को पावर्ड बाय सैमसंग एंड रंबल गेमिंग ऐप।